बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज ही की जय, पन्ना धाम ही की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराज जी, श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के अपार में है कि हम श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को, उन एक एक खरब को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे श्री परम धाम के 25 वर्ष माह होने वाली लीला विहार और सतगुरु महाराज जोहरदास महाराज जी ने जो परिक्रमा ग्रंथ का टीका प्रस्तुत किया है सुंदर साथ के वास्ते, उन टीका के प्रकाश में हम ये शोभा समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज आगे बढ़ना है प्रकरण नंबर 13। हाँ, प्रकरण नंबर 13, चौपाई नंबर 43 से। सुयाही छात को लग रहे जो एक माहौल चार पाए, पेड़ पांचवा बीच में माहौल पांचों ज्योति शोभाए, माहौल पांचों ज्योति शोभाए। सो पांचों माही मोहलात हैं रंग नव जुटी जिनस, देख देख पांचों देखी एक पे और सरस। श्री पुखराज के पांच आधार स्तंभ पेड़ों की बात हो रही है। इन पांचों पेड़ों में अलग अलग रंग किसी सुंदर रंगों नगों से झील मिलाते, एक मध्य चारों दिशाओं में एक मोहलात माफक बढ़ती बढ़ती 5 भुवन तक मोहलात और उनके बाद उनका विस्तार। तो इनमें अनेक रंग हैं, अनेक नग हैं और जुदी जुदी जिनस से सजे हैं। उन पांचों पेड़ों की शोभा देखें तो एक से बढ़कर एक और एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। इन शोभा को भी देखते हैं। सतगुरु महर्षि जी के ही प्रदर्शन से देखते हैं कि पांचों पेड़ जुदी जुदी जिनस नियामत से, रंगों से, नगों से सुसज्जित। अब इन पेड़ों का आपस में डिफरेंस भी काफी है। इन मध्य पेड़ से ये चारों दिशा वाले पेड़ 22,000 कोस की दूरी पर है और ये दिशा से दिशा वाले 33,000 कोस की दूरी पर है। अपने को नक्शे में नजदीक नजर आते हैं लेकिन अति विशाल ये चौरस चबूतरा और उनपे ये पांच माहौल, एक मॉल से दूसरा मॉल काफी दूरी पर, और एक मॉल की शोभा देखी फिर दूसरे मॉल की शोभा देखी तो मैं रंगों में नगों में वहां के चित्रामन में वहां की जुक्ति में सजावट की वहां पे उन शोभा में बहुत एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा देखिए। सो पांचों महाई माहौल आता है, पांचों पेड़ और उनमें ऊपर ऊपर माहौल चल रहे हैं। रंग नग जुदी जनिस, उनमें रंगों की नगों की जुदी जुदी जनस है। देख देख पांचों देखी एक पे और सरस, एक से दूसरा दूसरे से तीसरा देखते हैं तो पहले से बढ़ती शोभा नजर आती है। कहाँ कहूं क्यों कर कहूं, एक जुबा माहौल अनेक, इन जूठी जीमी के साज सो क्यों कहूँ अर्श विविध। इनकी शोभा क्या कहूँ कैसे कहूँ, मेरी जीवा तो एक ही है, आप श्री महामती जी कह रहे हैं परंतु महिला नहीं है। इस जूठी जीमी की सोना चांदी रीति रिवाजों से इसका वर्णन नहीं हो सकता और झूठे संसार की साधनों से भी परम धाम का वर्णन संभव नहीं है। कहाँ कहूँ क्यों कर कहूँ, एक जुबा माहौल अनेक,
इन झूठी जीवी के साजिशों क्यों हूँ अर्श विवेक। तले से ऊपर लग थम जरोखी दहलान, ये बैठक बका मिले रूही संग सुभान। उखराश पर्वत तले से लेकर ऊपर तक देखे, सबसे पहले महावन की जमीन पे खड़े होके, पुखरा जी रोज पे खड़े होके इन भूमि पर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखना। कैसे हांस हांस पर गोल गोज उनके दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, फिर दो सीढ़ियों के मध्य एक सुंदर स्वर्णिम द्वार, एक सुंदर स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता द्वार, और वो द्वार खुले और सामने सीढ़ियां झलक रही हैं। उन सीढ़ियों से उतरकर तरेटी में जाना। ऐसे हांस हांस में जुदे जुदे रंगों से सजे गुर्ज, सुंदर सीढ़ियां और दो गुर्जों के मध्य सुंदर दरवाजे। अब भूमबर की सीढ़ी चढ़ के हम इस चबूतरे पर आ गए। अब यहाँ भी एक चौरस चबूतरा, उस चौरस चबूतरे की उस ऊंची दीवार के दर्शन करें, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां। अब इस चबूतरे पर जब आते हैं तो चारों तरफ 13 13 महल, एक महल मध्य में, चारों दिशाओं के मध्य का भी एक एक महल। ये महल वही है, वही पेड़ है जो खजाने के ताल में तरटी में प्रकट हुए। तरटी की दो भूम उठे, फिर एक भूम और उठे इन भूम पर ऊंचे चबूतरे में। और इसकी जब ये चबूतरे पे प्रकट हुए तो तब तक हम इन मोहलातों की तीन भूम चढ़ चुके हैं। तरटी में आ जाइए, उस एक मोहल में आ जाओ। पहली भूम पार करी, दूसरी भूम पार करी तो अपनी हुई तरटी पार। फिर हमने एक भूम और पार करी तो इस चबूतरे के अंदर से जो मोहलात की भूम जा रही है वो पार करी। और फिर जब हम तीसरी भूम पार करके यहाँ पर निकलते हैं तो यहाँ पर ये पेड़ प्रकट होते हुए, ये तरटी से ही चलते आ रहे हैं, तभी कहा ये प्रकट भय। तरटी से उठ के यहाँ प्रकट भय। अब यहाँ हमने चारों तरफ 13 13 महल देखे, वो दो भूम तीसरी चांदी रहे और ये पांच पे पांच भूम तक सीधा ऊपर जा रहे हैं। पांच भूम तक जाएंगे, छठी चांदी से ये अपने छज्जे बढ़ाएंगे, तो भूम दर भूम बढ़ते छज्जे। अब जैसे छठी भूम का छज्जा ले रहे, उसकी किनार पर थम मेहराबे आए। अब सातवीं भूम का छज्जा उससे विस्तार ले लेगा, लेकिन झुकती ऐसी होगी कि थम के ऊपर थम दूसरी भूम में नजर आएगा, मेहराब के ऊपर मेहराब, ऐसे ऊपर ऊपर थम मेहराबे, आगे मंदिरों के दरवाजे झरोखे सब झिलमिलाते हुए। तले से ऊपर लग थम जरोखे दहलान, ये बैठक बका मैंने रूही संग सुभान। इसकी चारों ओर पर्वत से नीचे से लेके ऊपर तक थम आए हैं। वो जो झरोखे बने, छज्जे बने, उन्हें ही झरोखा और दहलान करके कहा गया। परम धाम में श्री राज श्यामा जी सखियों संग यहाँ आकर विराजते हैं। कैसे हमने एक एक छज्जे की शोभा देखी पिछली बैठकों में, कि विशाल छज्जे, छज्जे के किनार पर सुंदर थम, उन पर सुंदर कई रंगों नगों जवाहरातों की नक्काशी, उनकी मेहराबें, उन मेहराबों में से नूर, थम्बों के मध्य कठेड़ा, और उन विशाल छज्जे पर जल के विशाल कुंड, सुंदर वृक्षों की शोभा, विध विध की बैठ के ये पांचों फेर के देखिए, खोल के रू नजर ली भोम से लग चांदनी, खूब ऊपर खूब तर। इन पांचों पेड़ों की शोभा निज नयनों से देखी, चितवन में देखी, एक तरस हो के एक एक माहौल की शोभा। आप जैसा उस माहौल की शोभा चाहते हो, आपके मुताबिक ही वो श्रृंगारित होता हुआ। श्री रंग महल के दरवाजे के दोनों ओर जो पांच थंब आए हैं,
उन्हीं थंबों पे अगर हम शोभा ले गई कि ठीक मध्य का थंब थंब सब कुकराजी आवा में, लेकिन मध्य के थंब में हीरा का चित्रामन, हीरा के नग, हीरा की ही झिलमिलाट, हीरा के कुंडी सांकल, थंबों की मेराबे, उन्हें कठेड़े में हीरा झलकता हुआ। पूर्व दिशा में माणिक का थंब, उन पुखराज के थंब में माणिक का पूरी चित्रामन, एक में पूरा पुखराज का चित्रामन, पुखराजी में भी पुखराज का चित्रामन, एक में नीलवी का, एक में हरे का, तो पांचों की शोभा जुदी जुदी। उन शोभा को दिल में लेवे कि एक-एक थंब उनपे कैसे कैसे शोभा खिलती हुई। तो नीचे से लग ऊपर तक अब हजार हास है, हजार इधर है, प्रत्येक हास जुदी जुदी शोभा में सजता हुआ। और उन रंगों नगों की झिलमिलाट में पुखराजी पहाड़ के दर्शन। ये पांचों फेर की देखी खोल के रो नजर, ले भोम से लग चांदनी खूब ऊपर खूब तर। जैसे सुंदर से भी सुंदर, अति सुंदर हमारा पुखराजी पहाड़, तले से लेके ऊपर तक शोभा कैसे सुंदरता को बढ़ाती हुई। एक तरफ अर्श होश की, तरफ दूजी हो जोए, दोए तरफ दोए चरनिया, जो जड़ित जगमगी सोए। इस थंबों में एक थंब पेड़ रंग महल और होश कोसर तरफ दक्षिण में है, दूसरा थंब पुखराजी ताल की तरफ है, आगे जमुना जी की तरफ है, उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, उनका प्रकाश ऐसे प्रतीत होता है जैसे रतन जगमगा रहे हैं। अब ये जो पांच पेड़ है, अब ये जो पेड़ है दक्षिण तरफ का, एक मिनट डायरेक्शन सही कर लें इसका, ये देखिए ये पेड़ है दक्षिण तरफ अर्थात श्री रंग महल की तरफ, रंग महल से आगे होश कोसर की तरफ। तो ये हुआ। और ये पेड़ पुखराजी ताल और आगे इसी दिशा में आगे यमुना जी का प्रकटन होगा। और ये पश्चिम और उत्तर, ये दो पेड़ हैं घाटियों की तरफ। एक बार ये शोभा दिल में आई थी, ये दो का तो मैच कर रहा है, वाणी से भी प्रमाण मिल रहा है कि दो तरफ की घाटियां, जहाँ घाटियों की तरफ ये जो पेड़ हैं, यहाँ से ये जो सीढ़ियां उतर रही हैं और ये जो पेड़ हैं पूरे नगों से सजे हुए रतन जड़ित, क्योंकि तो सीढ़ियां रतन जड़ित सुंदर शोभा लिए, तो इन दो पेड़ों की शोभा चली कि दोनों ये रतन जड़ित हो। और ये पेड़ क्योंकि तो ये दक्षिण तरफ उन महावन तक है, मेरी नजर आगे रंग महल तक नहीं गई थी कि दक्षिण तरफ यहाँ महावन है, तो इन पेड़ों की, इन मोहल्लों की पूरी शोभा फूलों से सुसज्जित हो। और पूर्व दिशा में पुखराजी ताल और बंगलों के बीच में यहाँ जल की विशाल धारा आती है, बंगलों की छठी चांदनी से जल की विशाल धारा इस कुंड में गिरती है, तो वो पूरी झलकार इन सीढ़ियों पर और इस पेड़ के ऊपर। तो ऐसे हम जुदी जुदी चिन्ह, वाणी ने भी अब अपने को दिखा दिया कि अपने को कैसे इसका विचार करना है कि ये पेड़ है रंगमहल, पहले महावन, महावन के बाद रंगमहल, रंगमहल के बाद आगे आप होश कोसर, होश कोसर से आगे जो भी सांस का महल और आगे माणिक पार तक नजर जाती है। पश्चिम उत्तर दिशा में घाटियां हैं विशाल और पूर्व दिशा में पुखराजी ताल आगे जमुना जी। तुम शोभा को भी दिल में लेवे कि ये महावन की तरफ है या रंग महल की तरफ लेवे, तो पूरा लालिमा से सजा हुआ, ये यमुना जी की तरफ है प्लस या जल की धारा, तो पूरा यहाँ पर बहते जल की शोभा, जवेलों का, एक अर्श के नग का,
हीरे की पूरी शोभा, और इधर दोनों तरफ रतन चढ़े। तो इस तरह से ये चारों पेड़ देखने दिखाए। ये देखिए, एक तरफ अर्शभुज की तरफ दूजी हो जोई, और दोई तरफ दोई चढ़निया जो जड़ित जगमगी सोई। इन थंबों में एक पेड़ रंग महल भोजकोसल की ताल की तरफ दक्षिण में है, दूसरा थंब पूरब में पुखराजी ताल जमुना जी की ओर है। उत्तर पश्चिम के दोनों ओर सीढ़ियां हैं, उनका प्रकाश ऐसे प्रतीत होता है जैसे रतन जड़े हों जगमगा रहे हैं। इस छठा पहाड़ हो जोई का ताके तले बड़ो विस्तार, आए पोछा अधिक ऊपर इत मिल गया इनकी पार। श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल ये महल छठे पर्वत की तरह सुशोभित है। अब यहाँ पे धनी ने एक आंकड़ी दे दी अपने को, चार तरफ की दिखा दिए कि ये चार पहाड़ है, लेकिन बीच के पांचवें पहाड़ की ओर भी तो नजर करें कि जो बीच में जिसमें जल का स्तून जा रहा है उस पहाड़ की ओर भी तो नजर करें। तो उन पहाड़ों में, उस पहाड़ में मध्य में तो चारों दिशाओं की पहाड़ों की झिलमिलाट, उन सबको जैसे वो समाहित करता हुआ, वो पांच पहाड़ ये हुए। छठा पहाड़ हो जाएगा पुखराजी ताल। आठ पहाड़ की बात आती है, आठ पेड़ की बात। ये देखिए, चार तो ये हो गए एक ही बीच में, ये पांच, और छठा हो जाता है ये पुखराजी ताल। ये छठा पहाड़, पहाड़ कहते हैं, थम भी कहते हैं। ये छठा पहाड़ वो जोई का ताके तले बड़ो विस्तार, आई पहुंचा अधिक ऊपर इत मिल गया इनके पार। श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी का ये महल छठे पर्वत के रूप में सुशोभित है। पुखराजी ताल को जमुना जी का उद्गम स्थान कह दिया। खजाने के ताल से सबसे पहले चार धाराओं में जल यहाँ प्रकट होता है जमुना जी का, और फिर 16, और फिर उसके बाद मूलकुंड से प्रकट है। ये छठा पहाड़ वो जोई का, श्री जमुना जी के उद्गम स्थान पुखराजी ताल का ये महल छठे पर्वत की भांति सुशोभित है। ताके तले बड़ो विस्तार, और इसके नीचे बंगला जी का बहुत विस्तार है। और पुखराजी ताल से महलों की ऊंचाई 20 मोह अधिक है। पुखराजी ताल, ये जो अपना पुखराजी ताल है जहाँ पे जल की ताल धाराएं गिर रही हैं, ये ढलान 20 मोह की, और घेर कर महल और वृक्ष की 20 मोह की आए हैं, चारों तरफ से घेर के 20 मोह की मोहलाते, और यहाँ से 20 मोह ऊपर से जल की धारा जाती है। पुखराजी ताल की चारों ओर वन सुशोभित है जो उनसे आकर मिला है, और ये जो वन है ये आगे बढ़ के जल चबूतरे तक छाया कर रहा है। इस छठा पहाड़ हो जोई का ताके तले बड़ो विस्तार, आए पोचा अधिक ऊपर इत मिल गया इनके पार। तले छे जुदे रहे ऊपर पहाड़ महोल अनेक, एक तले छे जुदे रहे ऊपर पहाड़ महोल एक, और दोए कही जो घाटियां भई आठ ऊपर इन विवे। पांच पेड़ पुखराज के जो आधार स्तंभ हुए, छठा पेड़ या छठा पहाड़ हो गया पुखराजी ताल, और दो पहाड़ हो गए वो विशाल घाटियां, और दोए कही जो घाटियां भई आठ ऊपर इन विवे। पांच पेड़ पुखराजी ताल ये छे थंब पृथक पृथक नजर आ रहे हैं, परंतु 1 लाख कोस की ऊंचाई पर सब पहाड़ों के महल एक विशाल महल का रूप ले लेते हैं। उत्तर पश्चिम दो घाटियां हैं, इस प्रकार से 8 पर्वतों का विवेचन हुआ। इस तरह से ये 8 पर्वत, ये देखिए, ये पांच पेड़ जुदे हैं, छठा पेड़ भी जुदा है। अब इनके ऊपर एक बड़ी मोहलात बनी, एक बहुत विशाल मोहलात। अब इन मोहलात पे देखो पश्चिम उत्तर दिशा की घाटियां, तो ये कुल 8 पेड़ हुए। आठ ही पेड़ कहे, आठ ही सागर कहे। चढ़नी दोई बड़ी कही जो बड़ी गुर्ज दरमियान,
आया जिमी से ऊपर लग क्या करसी जुबा गया। ये जो बड़ी घाटी की सीढ़ियां हैं बहुत ही विशाल है, नीचे से लेकर चांदनी के बुर्जों तक चली गई है। इनकी शोभा का वर्णन इन जुबान से नहीं हो सकता। सतगुरु महाशि जी की प्रदर्शन से निकालते हैं इनका खड़ा दृश्य। ये देखिए कैसी जिमी लग चांदनी इन सीढ़ियों का विस्तार। ये सीढ़ियां आकर यहां लगती हैं, जो बड़े दरवाजे कहे चारों दिशाओं के, ये वाले इन चारों दिशाओं के दरवाजों के सन्मुख आके ये सीढ़ियां लगती हैं। चारों दिशाओं में हम दरवाजे देखेंगे, उनका बाहर से यही व्यू रहेगा, गोल पुरुष, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरे। यहाँ पे तीन सीढ़ियां दिखा रखी है दरवाजे में जाने के लिए अपने को, और यहाँ दरवाजे पे जाने के लिए भी अपने को तीन सीढ़ी चढ़नी है, क्योंकि दरवाजा तो कमर व रुचि चबूतरे पर है ना। तो इस तरह से चारों दिशाओं में बड़े दरवाजों की शोभा। और ये बुर्ज, बुर्ज में तीन द्वार, कल हमने इस शोभा को भी बहुत अच्छे से किया था कि जब हम ये देखिए जब हम बुर्ज के बाहर खड़े, गोल बुर्ज की जब कल बात हुई थी कि हजार गोल बुर्ज हैं, उन बुर्जों के बाहर खड़े हैं हजार हाथ मोहलातों में, तो तीन दरवाजे हैं, एक दरवाजा ये हुआ, एक दाएं बाएं। सुंदर एक विशाल बुर्ज की गोल दीवार, उसपे अद्भुत चित्रामण और उसपे सुंदर तीन दरवाजे। अब बुर्ज के भीतर जब हम आ जाए तो भी अपने को तीन दरवाजे मिलते हैं, और इस तरफ अपने को तीन बड़ी बड़ी मेहराबें मिलती हुई जिसमें कलियों का विस्तार है। तो चढ़नी दोई बड़ी कही जो बड़ी बुर्ज दरमियान, आइया जिमी से ऊपर लग क्या करसी जुबा गया। ये जो बड़ी सीढ़ियां कही हैं नीचे से लेकर ऊपर चांदनी के बुर्जों तक चली गई हैं, उनकी शोभा का वर्णन इन जुबा से कैसे है। ये देखो, और इस तरह से विस्तार रहता है कि जैसे हम ये दरवाजा देखें, 100 कोस में दरवाजा है, 100 100 कोस में चबूतरे हैं। अब जो सीढ़ियां भी आती है ना, उसमें 100 कोस में सीढ़ी चढ़ रही है, दाएं बाएं 100 100 कोस में मोहलात आई है, सीढ़ियों के दोनों तरफ रेलिंग की जगह मोहलात आई। तो सीढ़ियां जब आके यहाँ लगती हैं तो दरवाजे की ठीक सन्मुख सीढ़ियां और दाएं बाएं चबूतरों के सन्मुख उनकी मोहलातें आ जाएंगी, उन मोहलातों की जो कलर थ्योरी ध्वजा पताका है वो आ जाएगी। जैसे अपन रंग महल में देखें, दो मंदिर का चौक, उसके दरवाजा और उसके ठीक सामने सीढ़ियां, दरवाजे के बिल्कुल सामने सीढ़ियां आई है ना, ऐसे ही यहाँ पे ये 100 कोस का दरवाजा है तो 100 कोस के सामने ही सीढ़ियां उतरी हैं, और सीढ़ियों के दाएं बाएं चबूतरे, चबूत जैसे यहाँ दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे हैं तो सीढ़ियों के दाएं बाएं मोहलाते हैं। और ये दो बुर्ज यानी सीढ़ियों का विस्तार इन दो बुर्जों के मध्य है, ये दो बुर्ज हुए और मध्य 300 कोस का विस्तार है। इन 300 कोस के विस्तार के सामने अपनी हवेली होती है। महाराज जी के नक्शे से देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ी और इन चबूतरों के सामने ये स्थान है, जो अपन घाटी की बड़ी सीढ़ियों के साथ अपन देखते हैं ना कि पहले हाथ में एक भोग की मोहलात, दूसरे हाथ में दो भोग की मोहलात, तीसरे हाथ में तीन भोग की मोहलात और उन मोहलातों के ऊपर छह छह देहुरियां। तो इन चबूतरों के ठीक सामने देहुरियां उतरती हुई, पूरी सीढ़ी दर सीढ़ी देहुरी, हजार सीढ़ी देहुरी क्या जाएगी, और इधर हजार भोग की सीढ़ियां, और दोनों बुर्जों के दरमियान ये शोभा आ गई। तो उसका वर्णन है, चढ़नी दोई बड़ी कही जो बड़े बुर्ज दरमियान, ये बड़े बुर्ज है 100 कोस के, उसके मध्य, और आइया जिमी से ऊपर लग चांद, आइया जिमी से ऊपर लग,
तली जमी से ये सीढ़ियां चालू हुई और चांदनी पे आके हजार हाथ चांदनी के जो चारों दिशाओं के बड़े दरवाजे हैं जिनकी एक ही फोम में पांच फोमें समाहित हैं उनसे आके लग गए। तो इनकी शोभा का वर्णन जुबा कैसे करें, यहाँ आपकी सीढ़ियां लगती हुई। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोर जवीर अति छल कर किनार दो सीधी दो। ये सीढ़ियां जमीन से आकाश की ओर ऊंचाई तक चली गई हैं, ये बड़ी सुंदर है। इन सीढ़ियों में रतन जड़े हैं, उनका अति प्रकाश से सीढ़ियों के दोनों ओर के किनारे रस्सी के समान सीधे चले गए हैं। अब इन शोभा को देखें, ये देखिए कितनी बड़ी ये सीढ़ियां। और ये सीढ़ियों का विस्तार देखिए, भूम्बर ऊंचे चबूतरे पर सीढ़ी प्रारंभ हुई। सबसे पहले भूम्बर की सीढ़ी चढ़ी, यहां पर आए दाएं बाएं चबूतरे। अब यहाँ से सीढ़ियां चढ़ रही हैं एक भौम की। अब यहाँ पर एक भौम की मोहलात, फिर दूसरी भौम की सीढ़ी, तो यहाँ पर दो भौम की मोहलात। आगे हम देखेंगे तीसरी भौम की सीढ़ी, तो यहाँ पर तीन भौम की मोहलात। तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, मोहलातें भी बढ़ती जाएंगी। तो जब हम ऊपर चांदनी से देखेंगे तो ये जो स्टेप है मोहलों के, ये हजार नजर आएंगे, भौम दर भौम हजार भौमे। प्रत्येक हाँस में अगर 50वां हाँस है तो इस जगह की 50 फोन। तो इस तरह से यह ऊंची अत्यंत ये सीढ़ियां और सीढ़ियों के दोनों तरफ ये देखो कैसे उतरता इनका क्रम, दोनों तरफ के मोहलों का और सीढ़ियां विशाल। सीढ़ियों की हमने शोभा देखी थी ना, कि सबसे पहले हमें 5,000 सीढ़ियां चढ़नी, 5,000 सीढ़ी चढ़ेंगे और प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद एक मंत्री चांद आ जाएगा। जैसे वर्णन करते हैं ना श्री रंग महल का, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित प्रत्येक पांचवी सीढ़ी के साथ चांदा, ऐसी 5,000 सीढ़ियां चांदों सहित और प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के आगे चांदे की शोभा। इस तरह से अपनी सीढ़ियां चढ़ेंगी, पहले मंदली सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा आएगा और फिर उसके बाद आएगा 200 कोसी चांदा। 100 बार जब ये क्रम आ जाता है 5,000 सीढ़ियों का, 5,000 सीढ़ियां मंदली चांदों सहित, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा, ये क्रम चलता है 200 बार। फिर उसके बाद एक चांदा आता है 200 कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ियां चढ़ी, फिर एक कोसी चांदा, फिर 5,000 सीढ़ियां, फिर एक कोसी चांदा, ऐसे 200 बार एक कोसी चांदे आते हैं और फिर लास्ट में 200 कोसी चांदा। तो कितने अनंत सीढ़ियां, 5,000 सीढ़ियां हम कितनी बार चढ़ गए, फिर एक कोसी चांदा आ रहा है। तो एक भूम का ये विस्तार है, ये एक भूम का विस्तार है। हो सकता है थोड़ा काउंटिंग में मेरी गलती हो, इसको कल वापिस करेंगे। तो ये एक भूमि में इतना विस्तार है, तो अपने पास हजार भूमि है, तो कितनी अरबों खरबों सीढ़ियां हो गई। अभी मुझे यही याद आ रहा है कि हम 5,000 सीढ़ी चढ़ेंगे और प्रत्येक 100वीं सीढ़ी के बाद चांदा है, फिर एक कोसी चांदा आएगा, फिर 5,000 सीढ़ियां मंत्री चांदों सहित चढ़ेंगे, फिर दूसरा कोसी चांदा आएगा। ऐसे अपने को 200 बार लेना है, 200 बार 5,000 सीढ़ियां और एक कोसी चांदे को पार करना है और सबसे लास्ट में ये 200 कोसी चांदा आता है। तो कैसे अनंत विस्तार इन सीढ़ियों का। तभी कहा बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जो, दोनों ओर किनारे बड़े सुंदर लग रहे हैं क्योंकि वहां पे मोहलाते हैं। जोत जवे अति छलकत,
किनार दो सीधी तो दोनों तरफ के किनारे सीधी जाते हुए, जैसे एक भवन की सीढ़ियां चढ़नी है, लेकिन उसके किनारे तो दोनों एक भवन तक की मोहल आते हैं, दूसरी भवन की सीढ़ियां चढ़नी है वहां दो भवन की मोहल आते हैं, तो दोनों किनारे एक सीधी की तरह से, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो सीधी सीधी अपने को हजार सीढ़ी नजर आ रही है दोनों तरफ के कठेड़ों की, मोहलात कठेड़े रूप में हुए यहाँ पर, लेकिन सीढ़ियां अनंत सीढ़ियां हैं। आज यहीं तक दोहराते हैं। बढ़िया ऊंची आसमान लो और खूबी देत अति जोर, जोत जोर जगेर अति झलकर, किनार दो सीधी तो किनार दो सीधी तो। चौपाई नंबर 51, बोले श्री प्रेमनाथ प्यारे।